प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित हो रहे थे, पाकिस्तान का पीएम रुआ से अंदाज में अपनी कश्मीर नीति पर हार स्वीकार कर रहा था। यह थके हुए वजीर आजम की उस आस्तीन की वास्तविकता थी जिसमें सांप नहीं मिलते हैं बल्कि यहां हार्ट अटैक का जोखिम ज्यादा है। वैसे भी सपोलो के मुल्क में आस्तीन और सांप की कहावत अप्रासंगिक होती है, लेकिन हार्ट अटैक के जोखिम से कहीं अधिक बड़ा लफड़ा अब इमरान खान के सामने खड़ा हो गया है। पीओके की मुजफ्फराबाद रैली में उन्होंने चीख चीख कर कहा था कि एक बार उन्हें यूएन में जाने दो, वहां से आकर बताऊंगा क्या करना है। दरअसल इस मदरसा छाप को लगता है कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा नेता है और दुनिया के बड़े नेता हीरा मंडी की नाजायज संतान के लिए मरे जाते हैं, यानी इसकी बकलोली सुनने के लिए कानों की सफाई करवाने में जुटे हैं। कश्मीर पर लात खाने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान में लौटने का मुद्दा जरूर तलाश लिया है। उनका कहना है कि उसने इस बार ट्रंप समेत किसी भी नेता से भीख नहीं मांगी है। वैसे इमरान के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, उनके द्वारा भीख नहीं मांगने से साबित हुआ कि ट्रंप अब उन आरोपों से पल्ला झाड़ सकता है जिसमें उन पर जेब में डॉलर लेकर चलने का आरोप लगा था। पर सवाल तो ज्यों का त्यों है कि इमरान खान अब क्या करेंगे, उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने गधैया नर्तक करने के लिए घुंघरू और तहमदों की व्यवस्था की है। दरअसल पाकिस्तान में इमरान के तख्ता पलट की तैयारी शुरू होने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सेना इमरान को सत्ता से बाहर करके वर्तमान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की ताजपोशी कर सकती है। इमरान को भी लगता है उनके गले में कश्मीर नाम का कांटा बुरी तरह फंस गया है। अगर उनका तख्ता पलट होता है तो संभवतः वह इसका अधिक विरोध करने की हालत में नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान उनके किए वादों के मकर जाल में फंसकर तबाह हो चुका है। महंगाई 12% पर पहुंच गई है तो जीडीपी 3% से नीचे सरकती जा रही है। डॉलर के आगे पाकिस्तानी रुपया 150 पर अटका पड़ा है। विकास की योजनाएं डब्बों में बंद पड़ी है। स्थिति यह है कि पूरा पाकिस्तान अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि इमरान खान ने जिस जनता को अभी तक कश्मीर के नाम पर थामे रखा था अब उसे संभालने के लिए कोई मुद्दा उनके पास नहीं बचा है। कल अपने दो बयानों से उन्होंने अपनी व्यथा भी स्पष्ट कर दी जिसमें उन्होंने भारत से युद्ध करने की संभावनाओं को तो खत्म किया ही, कश्मीर मुद्दे पर भी उन्होंने हार स्वीकार कर ली। पर मामला यहां तक नहीं है। इमरान की गद्दी पर इस वक्त दो नमूनों की निगाह है। इनमें एक शाह महमूद कुरैशी है जबकि दूसरे छुपे रुस्तम फजलुर रहमान है। शाह महमूद कुरैशी का वह बयान इमरान का पलीता लगाने वाला माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कश्मीर को भारत का राज्य कहा था। 5 अगस्त से पहले तक वह इस क्षेत्र को आईओके कहता रहा है। कुरैशी के इस बयान से पाकिस्तान में बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरैशी ने अपने बयान का कोई खंडन तक नहीं किया। कहने वाले तो यही कहते हैं कि कुरैशी द्वारा ऐसे बयान देकर इमरान खान को कमजोर करने की साजिशें रची गई। फजलुर रहमान अक्टूबर के शुरुआत में इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का मंसूबा बना रहे हैं। वह भीड़ के साथ चारों तरफ से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की तैयारी कर चुके हैं। मतलब यह है कि 27 सितंबर के बाद इमरान के उस कथन की सार्थकता सिद्ध होनी है जिसका उन्होंने मुजफ्फराबाद में ऐलान किया था। आज इमरान खान जिस प्रकार अपने को हार्ट अटैक आने की बात करके सहानुभूति बटोरने के चक्कर में है उससे पाकिस्तानी जनता अब ऊब चुकी है। इमरान की तब्दीली के फेर में बिना दबाव के यहां सैकड़ों पाकिस्तानी दम तोड़ रहे हैं। 38% पाकिस्तानी डिप्रेशन के शिकार हैं, जो विश्व के सबसे ज्यादा आबादी में शुमार होते हैं। 10 लाख लोग बेरोजगार हैं, जबकि 1.5 लाख से अधिक लोगों की नौकरियां छीन ली गई हैं। इमरान अमेरिका में बकलोली कर रहे हैं, पर जनता यही सवाल उठा रही है कि जब यह वजीर आजम अपने देश का भला नहीं कर सका तो कश्मीर नाम की मुसीबत उनके सिर पर और थोप रहा है। अपनी जनता की मुश्किलों की इनको कोई फिक्र नहीं है, जबकि कश्मीर की समस्या पर तहमद फाड़े जा रहे हैं। हकीकत यह है कि इमरान खान पर हार्ट अटैक नहीं होकर बाजवा का अटैक होने वाला है। इमरान ने फिर से बाजवा की बढ़िया बजाई है, अलकायदा को ट्रेनिंग देने का सच कबूल करके बाजवा को परेशान कर दिया है। इससे बाजवा का पारा भी गर्म चल रहा है। अगर इमरान खान अमेरिका से सही सलामत लौटते हैं तो पाकिस्तान में सही सलामत रह पाएंगे, अब इसमें संदेह है।
क्योंकि पाकिस्तान का मैदान सच चुका है। यहां फिर से वही घटनाएं दोहराए जाने की चर्चा है जिसके लिए यह मुल्क जाना जाता है, यानी मदरसा अजान और बुजदिल पाक फौज। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।